जनपद जालौन के कोंच में लोक जन शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिंह के द्वारा युवा प्रकोष्ठ की मीटिंग ली गई। मीटिंग में मोहम्मद अशरफ को जालौन जिले का युवा लोक जन शक्ति का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अशरफ को निर्देश दिया गया है कि जालौन जनपद में लोक जन शक्ति पार्टी को तहसील स्तर से वार्ड स्तर तक विस्तार करे, जिससे जुलाई माह में जालौन में युवा लोक जन शक्ति पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी हमारी पार्टी की मांगों पर जरूर ध्यान देंगे और बुंदेलखंड में खुशहाली लाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर किसान लोक जन शक्ति के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनी भी उपस्थित रहे। कि अभी हमारा सीधा सीधा फोकस है बुंदेलखंड पे, जो कि अभी तक बहुत अछूता रहा है सरकारों से। आपको सबको पता है समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना लूटा गया है इस बुंदेलखंड को, कितना खचोड़ा गया है, ये कोई बात छुपी नहीं है किसी से भी। और साथ ही साथ इससे पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि मायावती जी कुछ करेंगी प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश खासतौर से बुंदेलखंड के लिए, लेकिन सिवाय करोड़ों की मूर्ति के बने कुछ विकास नहीं हुआ है। हाथियों की मूर्ति बना दी गई है लाखों करोड़ों की, मायावती जी ने खुद अपने जी जी रह के अपनी मूर्तियां बना दी। हम अभी नोएडा दौरे पे थे उस समय, तो हमने देखा था वहाँ पे गौतम बुद्ध पार्क है वहाँ पे करके, तो पता नहीं हजारों करोड़ की मूर्तियां वहां पे धूप में सड़ रही है। मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं था जिस चीज का इन्होंने आप कर रहा था। यही चीज पैसा अगर विकास में लगाते, गरीबों के लिए आप अस्पताल खुलवाते, गरीब बच्चों के लिए आप स्कूल शिक्षा के लिए उनको स्कूल बनवाते, दलितों जो पिछड़े हैं काफी, जो कि समाज से बहुत अछूते हैं, उनके लिए आप कुछ अच्छा करवाते, लेकिन कुछ लगा नहीं ना BSP सरकार में ना समाजवादी पार्टी में। तो एक कहावत भी चली थी कि खाली मकान हमारा, इस तरीके से करते कि कब्जा कर लिया जाता था मकानों पे। अब उम्मीद जागी एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से हम बुंदेलखंड निवासियों को भी, कि हमारी केंद्र में भी NDA सरकार रही है, अभी है गठबंधन में मोदी जी के साथ में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी हैं, और साथ ही साथ अभी योगी जी की सरकार बनी है भाजपा की, जिसमें कि हमारा भी इसमें सहयोग है पार्टी लोक जन शक्ति पार्टी का। तो हम चाहेंगे कि हमारे जिला अध्यक्ष सातों बुंदेलखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं, अपनी गांव लेवल पर जाके, अपने बूथ लेवल पर जाके, पंचायत लेवल पर जाके, लोकल जहाँ के रहने वाले उनको उनकी जो मूलभूत परेशानी है, समस्याएं हैं, वो इकट्ठा करें और हम सब एक जाके माननीय का योगी जी से मिलेंगे और उनको बताएंगे हमारे बुंदेलखंड की क्या क्या समस्याएं जो कि अभी तक पिछले 15 सालों से रही हैं, 20 सालों से, और जिससे कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री को शायद नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी है तो काम नहीं हुआ है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे सारे जिला अध्यक्ष मिलके पार्टी के काम करें और विकास में अपना सहयोग दें। जी अभी तक तो हम जब पिछले इलेक्शन में हम लड़े थे साथ में NDA में, तो हमें 9 सीटें दी गई थी चुनाव में, तो जिसमें से कि हम जीते भी थे, हम 7 सीटें जीते भी अभी लोकसभा के। हमारे 7 सांसद हैं जो कि देश की महापंचायत में बैठते हैं लोकसभा में, और साथ ही साथ अभी हम चाहेंगे कि जब 2019 का चुनाव होगा तो कम से कम हम 10 सीटें उत्तर प्रदेश से लें पार्टी के हक में।